नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। सुमन जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार के लिए और जिस तरीके से आगरा प्रशासन काम कर रहा है उस पर क्या? समाचार पत्रों में देखने को मिला, बहुत ही दुखद है कि निजी लैब्स में जो कोरोना के परीक्षण हो रहे थे, जाँच हो रहे थे, उनको ही बंद कर दिया गया है। तथ्यों को छिपाने से ये महामारी और बढ़ेगी। जो लोग मरे हैं उनके आंकड़ों को छिपाना या जो लोग जांच कराना चाहते हैं उसको अवॉइड करना, ये किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं है। जांच होनी चाहिए और मैं समझता हूँ आईएमए के लोगों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन बना करके प्रशासन को ये चाहिए कि इस मुसीबत में जो लोग फंसे हैं, जो लोग जाँच कराना चाहते हैं, अपनी शंका दूर करना चाहते हैं, उनकी जाँच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक टीम भेजी थी आला अफसरान की, उसके बाद आंकड़ों में कमी आई और मुझे ऐसा लगता है कि आंकड़े व्यवस्थित तरीके से कम किए गए, आंकड़ों में कमी नहीं आई है। तथ्यों को छिपाना ठीक नहीं है और मैं समझता हूं जितना अधिक से अधिक लोगों का परीक्षण हो सके जरूर करना चाहिए। कांग्रेस की जो इस समय राजनीति, कांग्रेस सब अपने सरकार में चल रही है, उस पर क्या कहेंगे बसों के? ये राजनीति का सवाल नहीं है, विशुद्ध संवेदनशीलता का सवाल है। और इस संकट की घड़ी में प्रवासी मजदूरों की जो कोई भी मदद कर सकता है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तकनीकी सवालों पर इस समस्या को उलझाए रखना किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। हम समझते हैं, हम सब लोगों का राष्ट्रीय धर्म है कि मजदूरों की मदद की जाए, उनको गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के लिए जो इमदाद हम कर सकते हैं हमको करनी चाहिए। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए डीडी टुडे के साथ।